चैंपियन ट्रॉफी साल सन 2025 की मंजूरी मिल चुकी है। चैंपियन ट्रॉफी साल सन 2025 पाकिस्तान के अंदर भी होगी। इसके अलावा इंडिया को किसी भी सूरत के अंदर पाकिस्तान आकर खेलना होगा। कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, कोई किसी किस्म का हाइब्रिड मॉडल यूज़ नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए। जैसे इंडिया कह रहा था कि जी हम यूएई में खेल लेंगे, बांग्लादेश में खेल लेंगे, तो अब आईसीसी ने साफ साफ कह दिया है कि जी कोई भी हाइब्रिड मॉडल इंडिया के लिए यूज़ नहीं होगा, इंडिया को किसी भी सूरत के अंदर पाकिस्तान आना होगा और खेलना होगा। अगर इंडिया ऐसा नहीं करता है तो इंडिया की जगह श्रीलंका को हम जो वो डाल देंगे, क्योंकि सारी टीमें आने को तैयार हैं। इंग्लैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये जितनी बड़ी बड़ी ऑस्ट्रेलिया, ये टीमें आने को तैयार हैं। अब इंडिया का भी आना बनता है कि वो भी आकर खेलें, इसलिए अब इंडिया के पास कोई बहाना नहीं बचा है, बीसीसीआई के पास कोई बहाना नहीं बचा है। अब बीसीसीआई अपनी टीम भेजेगा पाकिस्तान, और इंडियन गवर्नमेंट के पास भी कुछ ऐसा नहीं बचा है कि वो चलाकर जो वो पाकिस्तान जो वो अपनी टीम ना भेज सके। अब कुछ भी हो जाए, आईसीसी ने साफ साफ कर दी है कि अब आपको जो वो पाकिस्तान आना ही होगा और वहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी साल सन 2025 खेलनी होगी। आईसीसी को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले हफ्ते शेड्यूल तैयार करके भेजा था कि ये शेड्यूल हमने तैयार कर दिए, इसमें इंडिया के मैचेस भी हमने लाहौर में रख दिए और जो बाकी दीगर टीमें उनके मैचेस भी हमने रख दिए। अब आईसीसी ने जो वो शेड्यूल को एक्सेप्ट कर लिए, यानी कि शेड्यूल एक्सेप्ट हो चुका है, उसके ऊपर सिग्नेचर हो चुके हैं आईसीसी के। जब भी किसी इवेंट का शेड्यूल पर सिग्नेचर हो जाते हैं तो फिर वो पक्का हो जाता है कि उसी कंट्री के अंदर होगा, क्योंकि ये मुआहदा होता है। जब मुआहदे के ऊपर साइन हो जाते हैं तो फिर आईसीसी भी नहीं मुकर सकता है। अब ये तो कंफर्म है कि चैंपियन ट्रॉफी साल सन 2025 पाकिस्तान में ही होगी, होस्ट पाकिस्तान करेगा और टीम इंडिया को किसी भी शर्त के ऊपर आना होगा। आईसीसी ने साफ साफ कह दिए कोई भी हाइब्रिड मॉडल आपके लिए नहीं चलेगा। शेड्यूल के मुताबिक जो स्टार्टिंग हो रही है चैंपियन ट्रॉफी की, वो 19 फरवरी से हो रही है और 9 मार्च को इसका फाइनल खेला जाएगा। फाइनल जो है वो लाहौर के गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम में होगा और शुरुआत भी, यानी कि ओपनिंग मैच भी लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में होगा। और टीम इंडिया के जितने भी मैचेस होंगे वो मैचेस जो है वो लाहौर के गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे, उनको पूरे तरीके से सिक्योरिटी दी जाएगी। पीसीबी ने आईसीसी को साफ साफ बता दिए। अब जो आईसीसी को पीसीबी ने शेड्यूल भेजा है उसमें जो है वो ज़्यादा मैचेस 7 लाहौर के अंदर है, 5 जो पिंडी के अंदर, 3 कराची के अंदर रखेगा। सबसे ज़्यादा लाहौर में मैचेस होंगे क्योंकि वहाँ पर इंडिया की टीम जो है मौजूद होगी। इसके अलावा जो शेड्यूल भेजा है आईसीसी को पीसीबी ने, उसके ऊपर साइन हो चुके हैं। अब इसी हफ्ते के दौरान जो है वो आईसीसी बीसीसीआई को भी ये शेड्यूल भेज देगा। अगर बीसीसीआई इसमें कोई गलती निकालना चाहेगी विनियोज़ को लेकर या फिर टाइमिंग्स को लेकर या फिर डेट्स को लेकर, तो वो निकाल सकती है कि जी हम ऐसे खेलेंगे, हम ऐसे नहीं खेलेंगे, वो इसके ऊपर कर सकती है। लेकिन बीसीसीआई ये फैसला अब नहीं कर सकती कि हम नहीं आएंगे। अगर बीसीसीआई ये फैसला करेगी तो बीसीसीआई जो वो अपनी टीम को साइड में खड़ा कर देगी, उनकी जगह जो वो श्रीलंका आएगी। इसी तरीके से तमाम बोर्ड्स को जो है वो आईसीसी अब शेड्यूल भेजेगा। शेड्यूल जैसे ही भेजेगा आईसीसी, वहाँ से जैसी टीम प्रूफ करके भेजेंगी अपना अपना निकाल के कि यार हमें इतने रेस बाद एक मैच दिया जाए, शेड्यूल तभी भेजा जाता है तमाम टीम के बोर्ड के ऊपर। जैसे ही वहाँ से फाइनल हो के आएगा इसी हफ्ते के अंदर, तो फिर आईसीसी शेड्यूल जो वो अनाउंस कर देगा पूरे तरीके से। 12 दिन के अंदर मेरे हिसाब से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी साल सन 2025 का शेड्यूल जो पूरे तरीके से आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। ये खबर थी चैंपियन ट्रॉफी साल सन 2025 को लेकर, जो कि बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी हो रही है और अब टीम इंडिया भी आएगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं बची है जिसको चलाकर टीम इंडिया जो वो ना आ सके पाकिस्तान। बहुत अच्छी खबर थी।